दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भाई पांच ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और हर एप्लीकेशन में आपको कुछ ना कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। हर एप्लीकेशन भाई फंक्शनलिटी वाइज मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यार जो हमारे चैनल पर गिव अवे चल रहा है उसका रिजल्ट कब अनाउंस करने वाला हूँ मैं, वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और इस बेल आइकन पर भी टैप कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जो फर्स्ट एप्लीकेशन है भाई उसका नाम है गेमिंग मोड। अगर आप अपने मोबाइल में गेमिंग करते हैं और आप चाहते हैं गेमिंग करते टाइम आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो, मान लीजिए आप पबजी खेलते हैं अपने मोबाइल में, आप चाहते हैं आपकी स्क्रीन पर कोई भी नोटिफिकेशन शो ना हो गेम खेलते टाइम या कोई भी कॉल ना आए, तो ये वाली जो एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करते हैं कुछ इस टाइप का यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे आप इस ऐड बटन में क्लिक करते हैं तो आप जोन सी भी गेम को सिलेक्ट करना चाहते हैं इस ऐड बटन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल क्योंकि मैंने अभी इस मोबाइल में कोई भी गेम इंस्टॉल नहीं कर रखी तो मैं आपको समझाने के लिए एक बार इस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। अब ये वाली एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो रही है। अब इसके साइड में जो सेटिंग्स का ऑप्शन है भाई हमें उस पर क्लिक करना है, तो यहाँ से इसको ऑन करना है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन या इस गेम को खेलते टाइम आपको कोई भी कॉल ना आए तो भाई आपको यहाँ पे ऑटो रिजेक्ट कॉल वाला जो फीचर है वो ऑन करना है और यहाँ पर आपको परमिशन में अलाउ करना पड़ेगा। सिंपली ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कोई भी नोटिफिकेशन ना आए तो भाई आप इस वाले फीचर को भी ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे ही कमाल के फीचर्स आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से आप बड़े ही आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने गेम को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन का नेम है सिलेक्शन। बट कई बार क्या होता है हमें किसी पर्टिकुलर एरिया का ही स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, लेकिन ऐसे करने के लिए हमें पहले नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेने के बाद में एडिट करके उसे क्रॉप करना पड़ता है। तो ऐसे में दो चार स्टेप्स हमें ज़्यादा करने पड़ते हैं जिससे कि हमारा जो टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। लेकिन जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम सिलेक्शन है, इसकी हेल्प से आप डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करते हैं कुछ इस टाइप के यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फिर जैसे आप इस इमोजी पर क्लिक करते हैं यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर, तब ये आपकी यहाँ ऊपर नोटिफिकेशन में शो हो रहा है। तो अब जब कभी भी आपको किसी भी पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है तो सिंपली स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो अब आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट लेने का। तो फिर यहाँ पर अपना एरिया सिलेक्ट करने के बाद में आप टिक पर क्लिक करके डायरेक्टली उस एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम है एक्शन डैश। भाई इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपनी मोबाइल की हर एक एक्टिविटी को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं वीकली बेसिस पर और डेली बेसिस पर भी कि आपने कौन सी एप्लीकेशन पर कितना टाइम अपना स्पेंड किया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं व्हाट्सएप पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे शो कर रहा है कि मैंने आज के दिन में 5 मिनट अपने स्पेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप पर। अगर मैं यहाँ पर सेकंड टैब में क्लिक करता हूँ तो ये शो कर रहा है मैंने व्हाट्सएप को आज पूरे दिन में 10 बार ओपन किया। और इस लास्ट जो थर्ड टैब है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये शो कर रहा है कि मुझे आज व्हाट्सएप पर 26 नोटिफिकेशन रिसीव हुई है। यानी कि इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि आपको कौन सी एप्लीकेशन पर कितना टाइम स्पेंड करना है। तो यार बेसिकली आप अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं इस एप्लीकेशन की हेल्प से। दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑटो हैश। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर जैसी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सेल्फीज को हैशटैग्स के साथ में पोस्ट करने का, लेकिन अगर आपके माइंड में कभी कभार हैशटैग्स नहीं आते तो ये वाली एप्लीकेशन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो जौन सी भी इमेज आप पोस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आपको ओपन करनी है। फिर ये एप्लीकेशन उस इमेज के अकॉर्डिंग कुछ हैशटैग्स आपको सजेस्ट करेगी, वही काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैशटैग्स सजेस्ट करती है। तो सिंपली आप इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब जो लास्ट एप्लीकेशन है भाई उसका नाम है अनऐप। इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन एक ही बारी में सिलेक्ट करके सीधे यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 5 एप्लीकेशन, सभी के लिंक्स आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो डायरेक्टली उन लिंक्स पर क्लिक करके आप इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई फटाफट से हमारे गिव अवे के बारे में। तो भाई देखिए अभी भी डेली हमारे काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स पार्टिसिपेट करें, सभी को अपॉर्चुनिटी मिले इस गिवअवे में पार्टिसिपेट करने की। हाँ भाई, अब थोड़ा सा डिले हो चुका है लेकिन इससे ज़्यादा मैं डिले नहीं करने वाला। तो मैंने सोचा 26th या फिर 27th, इन दो दिनों में मैं जैसे ही फ्री होता हूँ भाई मैं गिवअवे के रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा और मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा अगर कोई नेटवर्क इशू ना हुआ तो मैं लाइव जाकर के ही गिवअवे का रिजल्ट निकालूँ, ताकि आपके और हमारे बीच का जो ट्रस्ट है भाई वो यूँ ही बना रहा है। और अगर आपने अभी तक उस गिवअवे वाली वीडियो में पार्टिसिपेट नहीं किया तो भाई यहाँ पर मैं आई बटन में आपको उसका लिंक दे रहा हूँ, फटाफट से आप जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।